मटन मलाई बोटी की रेसिपी, जिसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम्स मटन। इसे मैंने इस तरीके से क्यूब में कट कर लिया है। अब मैं लूंगी 1/2 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 5 to 6 ग्रीन चिलीज, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। इसे मैं इमाम दस्ते में कूट लूंगी ऐसे। 2 टेबल स्पून दही, 1 टेबल स्पून बटर मस्का, इसे मैंने मेल्ट कर लिया है। 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम और ये हमारे स्पाइसेस, सॉल्ट टू टेस्ट, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर और सॉल्ट मैंने आपको बता दिया अपने टेस्ट के हिसाब से। 1 टेबल स्पून मीट टेंडिलाइजर, देखिए ये ऐसा हमारे को अवेलेबल रहता है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मीट टेंडिलाइजर, ये हमें इजीली मिल जाता है शॉप पे, ये 1 टेबल स्पून। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। अब हम हमारे मटन लेंगे, मटन में हम हमारे सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। देखिए अदरक लहसुन 1/2 टीस्पून जो मैंने लिया, अदरक लहसुन ज्यादा मत लीजिए स्मेल आएगा, 1/2 टीस्पून ही लीजिएगा इतने मेजरमेंट में। तमाम स्पाइसेस हम ऐड करेंगे इस तरीके से। हम ऐड करेंगे हमारी दही, मेल्टेड बटर, देखिए इसे हम इसमें ऐड कर लेंगे इस तरह से। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी कुटी हुई ग्रीन चिलीज। ग्रीन चिलीज का पेस्ट कभी मत डालिएगा, कूट के डालिएगा तो उसका स्मेल इतना ज्यादा स्मेल नहीं आएगा हमारी बोटियों में, कबाबों में, और टेस्टी बनता है वो कूट के डालने से। देखिए अब मैं इसे मिक्स करने जा रही हूँ। मिक्स करने के लिए मैंने अपने हाथों का इस्तेमाल किया है क्योंकि वो इजीली और अच्छे सारी बोटियों में मसाला अच्छे से मिक्स हो जाता है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी हमारे फ्रेश क्रीम, क्योंकि इसका नाम ही मलाई बोटी है और ये लगता भी मलाई मलाई की तरह है। देखिए हमने वो पाउडर डाला है जिसकी वजह से हमारे जो मटन है वो अच्छे से गल जाएंगे और एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे। आप शॉप पे जाइए, आपको इजीली मिल जाएगा वो पाउडर। अब देखिए मैंने मिक्स कर लिया है, अब मैं इसे ओवरनाइट मैरिनेट करके रख दूंगी। मैंने इसे इस तरीके से रैप कर लिया है, देखिए इस तरह से मैंने इसे रैप कर लिया है। अब मैं इसे ओवरनाइट के लिए रख दूंगी। देखिए अब मैंने इसे बाहर निकाल दिया है, देखिए मैं इसे ओपन कर रही हूँ ऐसे। ये देखिए इस तरीके से पूरा मैरिनेट हो गया है, क्रीमी क्रीमी दिख रहा है, देखिए आप। अब मैं करूंगी क्या, देखिए मैंने लिया है वुडन स्टिक, इसे मैंने पानी में इस तरह से भिगा दिया है। पहले मैंने इसे इस साइड से भिगाया था, फिर मैंने इसे पलट के इस साइड से भिगाया था ताकि ये जले ना कुक करने के टाइम। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टिक्स में हमारे मटन को लगाएंगे और मटन को ना चिपका के रखिए, देखिए ऐसे इसके अंदर है ना चिपका के रखिए, तो क्या वो मतलब अच्छा सॉफ्ट सॉफ्ट बनेगा, जूसी जूसी बनेगा, ये तो वो कड़क हो जाता है। ऐसा चिटका चिटका के आप लगाइए, चाहे ये मलाई बोटी हो चाहे चिकन की भी हो, उसमें भी आप ऐसे इसे टच कर करके एकदम लगाइए इस तरीके से। देखिए मेरा एक रेडी हो गया, अब मैं इसे प्लेट में रख दूंगी और मैं दूसरा लगाऊंगी। अब मैं सब लगाने के बाद मिलती हूँ आपको। देखिए सब मैंने स्टिक्स में लगा दिया है। आज मैं इसे 2 वे से बताऊंगी, एक बताऊंगी अवन में, एक बताऊंगी पैन में। चलिए पहले अवन में डालते हैं। देखिए मैंने ये स्टैंड ले लिया है, इस पे मैंने बटर लगा दिया था, अब मैं इसे इस पे रखूंगी इस तरह से। देखिए एक एक करके अब मैं इसे अवन में डाल दी हूँ। देखिए वो कुक हो रहा है, घूमते हुए आपको नजर आ रहा होगा अंदर। मैंने 10 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पे रखा है ग्रिल होने के लिए। देखिए वो अंदर हमारे घूम रहे हैं, चिकन डांस कर रहे हैं। अब हम पैन का डालेंगे। पैन में पहले हम
ग्रीस करेंगे इस तरीके से, ब्रशिंग करेंगे हमारे बटर की, देखिए इस तरह से, क्योंकि ये मलाई बोटी है तो इसमें हम ऑयल का नहीं बटर का ही यूज करेंगे तो और टेस्टी बनती है। लेकिन देखिए बटर हम डाल रहे हैं तो सॉल्ट का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि सॉल्ट ज्यादा ना हो पाए, क्योंकि ये बटर जो होता है वो सॉल्टी होता है। देखिए अब मैं डालूंगी इसमें हमारी स्टिक्स में लगी हुई बोटियां ऐसे, इस तरीके से। देखिए ये पकना शुरू हो चुकी है, इसे पहले हम हाई फ्लेम पे डालेंगे इस तरह से। देखिए एक एक करके मैंने सारी बोटियों को डाल दिया है, और देखिए मैंने छिटका के ऐसे छिटका छिटका के ही अंदर रखा है ताकि ये सॉफ्ट सॉफ्ट बने। देखिए इस तरह से, अब देखिए एक साइड से वो पकने लगी नीचे से, अब इसे हम टर्न कर देंगे, ऐसा चेक करेंगे फिर हम इसे ढक देंगे ऐसा। अब अवन का देखते हैं कैसा पक रहा है। देखिए अंदर घूम रहा है हमारा अवन का, ये ग्रिल हो रहा है हमारा, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। आपके पास और ज्यादा स्पेस है तो और रखिए। चलिए चेक करते हैं हमारे पैन वाले क्या बोल रहे हैं ये। वाव देखिए ये पानी छोड़ रहा है, देखिए हमारा पैन का ये पानी छोड़ रहा है। अब ये स्टेज पे हम उससे अलटते पलटते रहेंगे और पकाते रहेंगे, चेक करते रहेंगे और पकाते रहेंगे जब तक इसको जितना हमको चाहिए उतना वैसा हो ना जाए। देखिए इस तरीके से कितने अच्छे दिख रहे हैं, ये बहुत टेस्टी रहते हैं, बहुत जूसी रहते हैं। हम फिर इसे ढक के पकने देंगे, अब देखती है खोल के क्या होता है। देखिए इसने और अपने पानी छोड़ दिया है, देखिए ऐसे। अब हम इसे ढक के और पकने देंगे और गलने देंगे, फिर चेक करते हैं हम क्या हुआ है। देखिए वाव, अब हम ये हमारे बटर में पक रहे हैं, देखिए कलर चेंज हो गया है इस तरह से, लाइट ब्राउन हो जाए। आपको ज्यादा काला नहीं करना है इसे, इसे बस ये लाइट ब्राउन होने लगा इसे टर्न करिए, और इसे उससे ज्यादा लाल मत कीजिए जितना मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे ऐसा रखा है, अब मैं ढक दूंगी और इसके बाद मैं डायरेक्ट आपको सर्व करने के बाद ही मिलूंगी। देखिए ये हमारे अवन के हैं, देखिए कितने अच्छे पके हैं सब तरफ से हमारी मलाई बोटी, बहुत अच्छी लगती है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं हमारे बटर इसके ऊपर ग्रीस करेंगे, इसका मसाज करेंगे, देखिए देखिए इस तरह से। तो ये क्या हो जाती है, और सॉफ्ट हो जाती है, स्मूथ बनती है, क्योंकि हमने इसे अवन में पकाया है। लेकिन हम अपने तावे वाले पे भी लगाएंगे ताकि ये भी हमारी एकदम बटर बटर मलाई मलाई लगे। देखिए ऐसे हम सब पे इस तरीके से लगा देंगे, कितने अच्छे कलर लग रहे हैं। इसी कलर पे आप निकालिएगा, ज्यादा इसे पकाइएगा नहीं, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ। हाँ देखिए हमारे रेडी है ये अवन के और ये हमारे पेन के। अब मैं आपको मिलती हूँ इसे सर्व करने के बाद। देखिए आप बता सकते हैं इसमें से अवन का कौन सा है और पेन का कौन सा है। मैं इसे सर्व करूंगी देखिए हमारे चटनी के साथ, प्याज के साथ, पाव के साथ, बहुत यम्मी लगते हैं ये, यकीन मानिए एकदम सीख कबाब जैसे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए, आपको सबसे पहली मेरी रेसिपी नजर आएगी। और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा बना के कि आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।